एक सीडी को अगर हम ऐसे सीधा खड़ा रखें तो वो गिर जाती है ये मेरे हाथ में एक जादुई सीढ़ी है जो बिना किसी सपोर्ट के सीधी खड़ी रह जाती है इसे हम जायरोस्कोप कहते हैं। जब तक ये स्पिनर घूमता है सीढ़ी सीधी खड़ी रहती है लेकिन जैसे ये रुकता है सीडी गिर जाती है चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं इसके लिए हमें एक सीडीट एक स्पिनर नट बोल्ट और वॉशर चाहिए स्पिनर के बीच में एक बियरिंग होती है जिसकी वजह से ये हमारा स्पिनर काफी देर तक घूम पाता है हमें इसी बियरिंग के छेद से ये बोल्ट पास करना है और सीडी के दोनों साइड एक एक वॉशर लगाकर नट से टाइट कर देना है ये हमारा सीडी जायरोस्कोप बनकर तैयार है चलिए अब ये देखते हैं कि स्पिनर को घुमाने से ये सीधा खड़ा क्यों रहता है एक सीढ़ी को अगर मैं ऐसे सीधा खड़ा रखने की कोशिश करूं तो वो गिर जाती है क्योंकि सीढ़ी का सेंटर ऑफ मास बेस के ठीक ऊपर नहीं रह पाता है लेकिन जैसे ही मैं बहुत सारी सीडी को एक साथ चिपका दूं तो वो सीधी खड़ी रह जाती है क्योंकि अब इनका सेंटर ऑफ मास बेस के ठीक ऊपर रह जाता है लेकिन स्पिनर लगा देने से तो साफ पता लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास बेस से बाहर चला गया लेकिन स्पिनर को घुमा देने के बाद हमारी सीढ़ी नहीं गिरती है जब हम किसी भी वस्तु को गोल घुमाते हैं तो वो उसी प्लेन में गोल घूमना चाहती है जब तक कि हम बाहर से कोई और बल नहीं लगाए यह सिद्धांत न्यूटन के फर्स्ट लॉ के जैसा ही है और इसे हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं इसी जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ही जब हम लट्टू को घुमाते हैं तो वो भी सीधा खड़ा रहकर गोल गोल घूमता है और जब स्पीड कम हो जाती है तो वो नीचे गिर जाता है इस को भी अगर मैं घुमा के हवा में फ्लिप करने की कोशिश करूं तो ये फ्लिप नहीं होता है क्योंकि ये घूमते हुए अपना प्लेन चेंज नहीं करना चाहता है लेकिन जब मैं इसको रोक दूं और फिर फ्लिप करूं तो ये आराम से फ्लिप हो जाता है इसे हम साइकिल के पहिए से भी करके देख सकते हैं पहिए को अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो यह नीचे गिर जाता है लेकिन अगर पहिए को मैं घुमा दूं तो यह जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण नीचे नहीं गिरता और बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है यह टॉय जायरोस्कोप भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है इसे घुमाकर मैं इसे पतली सी रस्सी या फिर पेन की टिप पर भी बैलेंस कर सकता हूं और इसके साथ खेलने में बड़ा ही मजा आता है जायरोस्कोप सिर्फ खेलने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में और भी बहुत जगह काम आता है